बात करें हमारे पास वर्ड आता है पॉली जिसका मीनिंग होता है आपका मैनी सेकेंड वर्ड आता है हमारे पास नॉमियल जिसका मीनिंग होता है हमारे पास टर्म्स सो पॉली नॉमियल का मीनिंग हमारे पास हो जाएगा मैनी टर्म्स अब हम देखेंगे हमारे पास टर्म्स का मीनिंग क्या होता है देखिए टर्म्स आप हमारी क्या है जब भी आपका वेरिएबल वेरिएबल कंबाइंड हो किसके साथ कोफिशेंट के साथ तो वो हमारा हो जाएगा टर्म टर्म्स क्या है हमारे पास जब आपका वेरिएबल और कॉफिशियंट दोनों कंबाइंड हो जाते हैं वो हमारी क्या बनाते हैं टर्म्स हैं क्या फॉर्म कर रहे हैं so, हम हमारे पास वेरिएबल और कॉफिशियंट क्या है देखिए तीन वर्ड है हमारे पास वेरिएबल कॉफिशियंट एंड लास्ट कॉन्स्टेंट ये हमारा बेसिक पोर्शन है बिल्कुल पॉलि का ये चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए इंट्रोडक्शन में सो so, अगर हम देखें वेरिएबल वेरिएबल में हम कोई भी ए टू जेड अल्फाबेट ले लें सो ए टू जेड कोई भी अल्फाबेट जब लेंगे हम ए बी सी एक्स वाई जेड ये सब हमारी क्या है वेरिएबल है वेरिएबल का मीनिंग क्या है जिसकी वैल्यू वेरी करती है ए की वैल्यू आप कोई भी सपोज कर लेते हो x की वैल्यू कोई भी सपोज करते हो क्वेश्चन में सो so, ये सब हमारे क्या है वेरिएबल है जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है सेकेंड है हमारे पास कॉफिशेंट कॉफिशेंट को समझने से पहले हम देखेंगे हमारे पास थर्ड डेट इज कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट क्या है हमारे पास जिसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास फिक्स्ड रहती है जिसकी वैल्यू क्या रहेगी हमेशा फिक्स रहेगी कॉन्स्टेंट का मीनिंग क्या होता है फिक्स सेम सो कॉन्स्टेंट की एग्जाम्पल अगर हम ले कोई भी आपका नंबर है जैसे टू थ्री फोर ये सब हमारे क्या है कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती वहीं अगर हम बात करें निगेटिव के नंबर भी वो भी क्या है हमारे पास कांस्टेंट है ठीक है इनकी वैल्यू क्या रहती है फिक्स रहती है चेंज नहीं होती जैसे अगर हम देखें एक्स वाई जेड इनकी वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं कोई भी लेट कर लेते हैं सो ये क्या है हमारे वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है जिनकी वैल्यू फिक्स है एग्जांपल हमारे पास पॉजिटिव जीरो इंटीजर्स अब हम बात करें अगर की तो कॉफिशियंट क्या है जो जैसे एग्जाम्पल ले लें हम टर्म्स की एग्जाम्पल ले लें टू एक्स सो यहाँ पे ये क्या है हमारा एक कॉफिशियंट है और x क्या है हमारा एक वेरिएबल है टू क्या है कॉफिशियंट और x क्या है वेरिएबल है अगर हम देखें टू अगर हमारा कोई अकेला नंबर होता तो वो क्या कहलाता कांस्टेंट लेकिन इसमें हम इसको कांस्टेंट नहीं कहेंगे हम टू को क्या कहेंगे टू हमारा इसमें कॉफिशियंट है किसका कॉफिशियंट है एक्स का सो so, कॉफिशियंट क्या है हमारे पास जब भी कॉफिशियंट क्या है जब आपका कोई नंबर कांस्टेंट वो अटैच हो किसके साथ वेरिएबल के साथ जब भी वो क्या कहलाएगा कॉफिशियंट कहलाएगा वही अगर हम बात करें कोई अकेला नंबर है टू है जैसे सो so, वो क्या है हमारे पास एक कॉन्स्टेंट नंबर है constant, अगर हम बात करें टू एक्स की टू एक्स क्या है हमारे पास एक इसमें कॉफिशियंट है एक्स के साथ और एक वेरिएबल है दोनों कंबाइंड हो रहे हैं क्या बना रहे कॉफिशियंट और वेरिएबल कंबाइंड होकर क्या बना रहे हमारी टर्म्स बना रहे सो टर्म्स so, आपको क्लियर होगा क्या है जब भी आपका वेरिएबल और कॉफिशियंट कंबाइंड हो वो क्या कहलाएगा आपका टर्म कहलाएगा अब हम नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे अगर हम देखें पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करें सो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हमारा पोलिनोम क्लासीफाई है नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपकी नंबर ऑफ टर्म्स सिंगल है मीनिंग क्या है आपकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वन टर्म है सो so, उसको हम कहते हैं मोनोमियल उसको हम कहते हैं मोनोमियल मोनो का मीनिंग क्या होता है सिंगल एंड नॉमियल का मीनिंग क्या होता है टर्म्स एक सिंगल टर्म की जब हम बात करें तो उसको एक डिफरेंट कैटेगरी में क्लासीफाई करा गया है जो कि क्या है मोनोमियल सो मोनोमियल के एग्जाम्पल हम ले लें टू एक्स थ्री फाइव सब क्या है हमारे पास टू एक्स फाइव एक्स थ्री ये सब क्या है हमारे पास मोनोमियल की एग्जाम्पल्स हैं और भी एग्जाम्पल ले लें हम फाइव एक्स स्क्वेर सिक्स एक्स क्यूब आप इसमें पावर चेक नहीं करोगे आप क्या चेक करोगे एक टर्म सिंगल टर्म अगर आपको गिवेन है तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास मोनोमियल कहलाएगा चाहे उसकी पावर आपकी क्या हो वन हो टू हो थ्री हो अगर हम देखें थ्री थ्री क्या एक कांस्टेंट है लेकिन इसके साथ भी आपका क्या है अटैच है क्या वेरिएबल जिसकी पावर क्या रही होगी जीरो रही होगी जब भी हम थ्री को क्या कहते हैं टर्म भी कहते हैं देखिए यहां तक आपको बात क्लियर होगी मेरे हिसाब से वेरिएबल क्या है ए टू जेड कोई भी अल्फाबेट है वो वेरिएबल है सेकेंड कॉफिशियंट एक्स के साथ कोई भी कांस्टेंट अटैच है वो आपका क्या कहलाएगा कहलाएगा एक्स का थर्ड है हमारे पास कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या रहती है Fixed रहती है चेंज नहीं होती है वो हमारा क्या हो जाएगा कोई भी हमारे पास नंबर है इंटीजियर्स है निगेटिव पॉजिटिव जीरो ये सब क्या है हमारे पास एक कॉन्स्टेंट है ओके okay? अगर हम बात करें नंबर ऑफ टर्म्स की सो नंबर ऑफ टर्म्स में सिंगल टर्म मोनोमियल अगर हमारे पास टू टर्म्स हैं सो उसको हम कहते हैं बाई नॉमियल बाई का मीनिंग होता है हमारा बाई का मीनिंग होता है टू टू टर्म्स सो एग्जाम्पल अगर हम लें यहां पर टू एक्स प्लस फाइव थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स थ्री एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स स्क्वायर ये सब एग्जाम्पल किसकी है बाई की है ये आपका एक टर्म है यह दूसरी टर्म है कितनी टर्म्स हो गई बाइनोमियल, टू टर्म्स हो गई थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स हमें यहां पे पावर चेक नहीं करनी है हमें क्या चेक करना है कि कितनी टर्म्स हैं? So, so उसके हिसाब से हम इसको क्या कह देंगे बाइनोमियल कह देंगे थ्री एक्स क्यूब थ्री एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स स्क्वायर यह भी क्या है हमारा बाइनोमियल है अगर हम बात करें नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है थ्री है तो उसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपकी थ्री है तो उसको हम क्या कहेंगे ट्राइनोमियल एग्जाम्पल अगर हम ले लें थ्री एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स ये क्या है आपकी वन टू थ्री क्या है थ्री टर्म्स हैं देखिए जब भी आपका टर्म्स हैं जो टर्म्स होती हैं वो माइनस और प्लस के साइन से अटैच है वो क्या कहलाएगा हमारा पॉलिनोमियल होगा ठीक है so, सो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनॉमियल क्लासीफाई पॉलिनॉमियल देखिए ये सब पॉलिनॉमियल है ये मोनोमियल भी बाइनोमियल भी ट्राइनोमियल भी बस इनको क्या कर दिया है डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है क्लासीफाई कर दिया है सो सिंगल टर्म के लिए हम मोनोमियल कह देंगे टू टर्म्स के लिए बाइनोमियल थ्री टर्म्स के लिए हमारा ट्राइनोमियल अब हम बात करेंगे किसकी डिग्री के बेसिस पे सो फर्स्टली हमारे पास वर्ड आता है डिग्री अगर हम डिफाइन करें डिग्री को तो डिग्री क्या है हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल डिग्री क्या है हमारे पास हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल हाइएस्ट पावर किसकी वेरिएबल की एग्जाम्पल अगर हम लें डिग्री में थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर सो यहां पे वेरिएबल अटैच है फोर के साथ अगर हम देखें देखिए फोर के साथ आपका वेरिएबल अटैच है कैसे देखिए के साथ यहां पे एक्स होगा जिसकी पावर जीरो रही होगी और किसी की भी पावर जीरो होती है तो इसका मीनिंग क्या है वन है एग्जाम्पल ले लें टेन थाउजेंड की पावर जीरो क्या मीनिंग होगा वन होगा सो so, ये क्या है वन मल्टीप्लाई होगा फोर से और फोर सेम नंबर रहेगा वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे एक्स की पावर वन रही है one कभी भी शो नहीं करते हैं और यहाँ पे एक्स की पावर क्या है आपकी हाइएस्ट है सो ये हमारी इस पॉलिनोम की डिग्री क्या होगी हमारी डिग्री हो जाएगी टू कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम देखिए अगर हम देखें थ्री एक्स की पावर फोर माइनस टू एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स की पावर नाइन ओके सो यहां पे आपको दिख रहा है वेरिएबल कहां कहां अटैच है थ्री के साथ टू के साथ फोर के साथ कॉफिशियंट एक्स की पावर फोर का क्या है थ्री है ओके okay? सो so, ये क्या है हमारे पास टर्म है कंबाइंड और है कितनी टर्म्स है थ्री टर्म्स है क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल हो जाएगा ओके okay? अब देखिए यहां पे डिग्री हमें डिफाइन करनी है तो फोर है यहाँ पे थ्री है और नाइन है डिग्री क्या है हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल सो पावर जो है वेरिएबल की हाइएस्ट कहाँ पे है नाइन ओके सो इसकी डिग्री हो जाएगी हमारे पास नाइन ये हो गया हमारे पास डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन अब हम देखें डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन क्या है ये तो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया डिग्री क्या होती है अब देखिए डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन क्या है अगर आपकी डिग्री वन है हाइएस्ट पावर क्या है आपकी एक्स की वन है सो so उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या कहते हैं लीनियर अगर आपकी डिग्री क्या है टू है सो so उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल अगर आपकी डिग्री थ्री है तो उसको हम कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल सो ये है हमारा डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन इससे प्रीवियस हमने बात करी थी किसकी नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे जो क्लासिफाई हुआ है आपका पॉलीनोमियल सो so, यहां तक आप लोगों को बात क्लियर होगी अगर हम देखें एक कॉन्स्टेंट जीरो वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू ये सब क्या है हमारे पास इंटीजर्स हैं इन okay. टीचर्स क्या होते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने क्लियर कर लिया है अब देखें ये सब क्या है हमारे पास कॉन्स्टेंट है अगर हम देखें वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ये सब क्या है हमारे पास ये सब हमारे पास है नॉन जीरो नॉन जीरो कॉन्स्टेंट क्या है नॉन जीरो कॉन्स्टेंट वहीं अगर हम बात करें एक आपका अकेला जीरो क्या है जीरो जीरो कॉन्स्टेंट ओके सो जीरो क्या है कॉन्स्टेंट है और नॉन जीरो कॉन्स्टेंट क्या है आपके पास वन टू थ्री जीरो के अलावा कोई भी नंबर वो सब क्या है नॉन जीरो सो पॉलीनॉमियल क्या है हमारे पास यहाँ पे जीरो हम क्या कहते हैं जीरो पॉलीनॉमियल जीरो को हम कहते हैं जीरो पॉलीनॉमियल वहीं अगर हम बात करिए वन टू थ्री कोई अदर कॉन्स्टेंट है उसको हम कहते हैं नॉन जीरो पॉलिनॉमियल नॉन जीरो पॉलीनोमियल क्लियर होगी बात अब देखिए ये सब हमारे पास क्या है जीरो है आपका जीरो और वन टू थ्री ये सब क्या है नॉन जीरो है जीरो के साथ भी क्या है हमारे पास एक वेरिएबल अटैच है जिसकी डिग्री क्या है नॉट डिफाइंड है ओके यहाँ पे ये जीरो क्या है हमारे पास पोलिनोम और ये क्या है नॉन जीरो पॉलिनोमियल है अब देखें आपको अगर हम देखें कॉन्स्टेंट टर्म की अगर हम बात करें कॉन्स्टेंट टर्म वन है ओके सो वन और टू थ्री इसमें एक्स होगा जिसकी पावर क्या रही होगी जीरो सो so ये कह सकते हैं हम जो भी आपके जीरो नॉन जीरो पोलिनोमियल होते हैं उनकी डिग्री क्या रहती है जीरो ओके okay? अगर हम बात करें जीरो पॉलिनोमियल की सो so जीरो की जीरो पोलिनोमियल जो है उसके साथ जो x अटैच है ओके okay? उसकी डिग्री क्या है आपकी नॉट डिफाइंड है क्या है नॉट डिफाइंड जिसको हमने डिफाइंड नहीं कर सकते ओके okay? जिसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते वो क्या है हमारा जीरो पोलिनोमियल है वही अगर हम बात करें नॉन जीरो पोलिनोमियल की जिसकी डिग्री हमारे पास डिफाइंड है डेट इज इक्वल टू जीरो ओके सो ये है हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पोलिनोमियल सो टिल डेट रिवाइज ऑल दिस फॉर बींग रेगुलर अपडेटेड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक यू